आज जितनी डिस्टेंस थी उतनी दूर में गया नहीं, इसलिए हार ही मानेंगे इसको। चलो देखते हैं, कल इम्प्रूव करेंगे इसको। हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू डे न्यू व्लॉग। और आज है 15 अगस्त, मतलब कि इंडिपेंडेंस डे। तो मेरे सभी इंडियन यूट्यूब फैमिली को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज के दिन हम आज़ाद हुए थे और आज एकदम मज़े से जी रहे हैं। और अपना देश इतना तरक्की कर चुका है कि हर देश में इंडिया का नाम हो रखा है। तो आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, अस्त व्यस्त ना रहें। तो चलते हैं आज की रनिंग की शुरुआत करने के लिए। आज तो मैं काफ़ी जल्दी हूँ, आज तो मैं ज़्यादा लेट भी नहीं हुआ, तो टाइम पे पहुँच जाएंगे। सूर्य दादा भी नहीं निकले अभी। तो आज भी मौसम ठंडा है और काफ़ी ठंड सी लग रही है अभी अभी, सर्दियों वाली सी फीलिंग आ रही है। यहाँ पे दो तीन दिन अगर कंटिन्यू बारिश आ जाए फिर थोड़ी थोड़ी ठंड पड़ना स्टार्ट हो जाती है। इस वजह से अभी जब रनिंग करेंगे फिर ऐसे गर्मी आएगी अंदर से। अभी तो सर्दी सी लग रही है, अभी मैं हाफ टी शर्ट पहन के भी आया हूँ। यहाँ पे है ना, जिस एरिया में अभी मैं रह रहा हूँ, यहाँ पे लगभग लोग गर्मियों में तो 5-6 बजे तक काम पे ही चले जाते हैं और 10 बजे तक वापस आ जाते हैं, और सर्दियों में वो जाते हैं 8 बजे तक। क्योंकि जो खुले काम करते हैं लोकल, मतलब कि जैसे कोई खेत का हो गया या फिर कोई और, वो जल्दी जाके काम कंप्लीट कर देते हैं। जब भी मैं पहुंच गया हूं रोड पे जहां पे मैं रनिंग करने वाला हूं, बस थोड़ी दूर हूं, और यहां से जो व्यू आ रहा है ना सनराइज होते हुए, ये देखो गाइस क्या मस्त व्यू आ रहा है। तो गाइस फाइनली मैं आ गया हूं अपने निश्चित स्थान पे और यहां पे करते हैं रनिंग शुरू। तो गाइस आज मैं ज्यादा रनिंग नहीं कर पाया, बस 400 मीटर की दूरी है, 400 मीटर पहले ही रुका हूं क्योंकि मैं घर से पानी पी के निकल गया। और उसके बाद में भाई साहब यहाँ से जो पेट दर्द हुआ है ना, बता नहीं सकता। पेट दर्द करना स्टार्ट तो जब मैंने रनिंग स्टार्ट की तभी हो गया था, तब मैंने ऐसे पकड़ पकड़ के मैंने सोचा यहाँ तक काम चल जाएगा। फिर मैंने सोचा जहाँ पे मैं पहले रुकता था वहाँ पर रुक जाऊँ, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं रुका, मैंने सोचा कि आगे जाएंगे थोड़ा, चाहे कितना भी आगे जाओ। अभी मैं आ गया हूँ लगभग 250-300 मीटर दूर उससे, तो अभी भी थोड़ा थोड़ा पेट दर्द कर रहा है। यहाँ से जाते वक्त धीरे धीरे जाएंगे एकदम भाई। तो भाई जब भी मैं जा रहा हूँ थक हार के घर पे, आज जितनी डिस्टेंस थी उतनी दूर में गया नहीं, इसलिए हार ही मानेंगे इसको। चलो देखते हैं, कल इम्प्रूव करेंगे इसको और जितना हो सके उतना कोशिश करेंगे कि कल पानी ना पी के आऊँ। आज तो ध्यान ही नहीं गया मेरा, अचानक से बोतल उठाई, पानी पिया, चल पड़ा। तो भाई अभी भी काफ़ी देर हो चुकी है मेरे को रनिंग बंद किए हुए, लेकिन पेट दर्द अभी भी कर रहा है। आप भी कभी रनिंग के लिए जाओ या फिर घूमने के लिए निकलो तो पानी पी के तो मत ही जाना भाई, बहुत बहुत तकलीफ होती है। तो भाई अभी मैं आ गया हूँ घर पे, तो अभी पहले लगाते हैं पुशअप्स और उसके बाद में देखेंगे। तो पुशअप्स काफ़ी आसानी से लग गई है, ज़्यादा योगा वगैरह नहीं करेंगे, केवल पुशअप्स लगाएंगे। तो अभी लेते हैं वे प्रोटीन। तो गाइस अभी मेरा स्नान वगैरह कंप्लीट हो चुका है, एंड अभी तो नहीं, काफ़ी टाइम पहले हो गया था, लेकिन कुछ गेस्ट आ गए थे घर पे, उस वजह से व्लॉग बना नहीं पाया था। अभी जो कहूँगा वो वाली क्लिप आपको नहीं मिलेगी, उसके लिए आई एम सॉरी। Lot of boring math later. भाई अभी टाइम हो रहा है शाम के 7 और मैं जा रहा हूँ पानी लाने के लिए। आज सुबह से आने के बाद में यार पूरा मूड खराब हो रखा है, रनिंग कंप्लीट हुई नहीं और घर पे बैठे बैठे कुछ ना कुछ खा रहे हैं, माइंड खराब सा हो रहा है। इसलिए मैंने सोचा अभी चलते हैं बाहर और पानी वगैरह लाएंगे तो मूड फ्रेश हो जाएगा, थोड़ा मार्केट में जाएंगे। तो भाई अभी वॉकिंग वगैरह भी कंप्लीट हो चुकी है और अभी चलते हैं घर पे। तो आज मेरे को यहाँ पे एक मिला अफ्रीकन दोस्त जो कि मेरे स्कूल में जाता था, और वो यहाँ पे सुनता है इंडियन सॉन्ग्स, तो उसको आपसे कभी मिलवाएंगे यूट्यूब में। उसको बहुत से गाने हैं जो याद हैं, मतलब इंडियन सॉन्ग्स जो पुराने टाइप के हैं, जैसे मतलब चूरा के दिल मेरा, इस टाइप के गाने, गोरियाँ चली, और इस टाइप के कुछ पंजाबी गाने और कुछ बिहार के साइड के गाने उसको थोड़ी बहुत याद है, एक दो लिरिक्स। तो मेरे को जब भी जाता हूँ तो वो सुनाता है, ये गाना बता, वो बता, ये बता, ये
इंडियन लैंग्वेज कैसे सीखते हैं, इटालियन को इंडियन में कैसे कन्वर्सेशन करें और ब्रिटिश लैंग्वेज को सोमाली लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करें, वो वगैरह वगैरह पूछता रहता है। तो कभी मिलाएंगे उससे आपको, कभी चलते हैं घर पे और घर पे जाके व्लॉग को करेंगे एंड। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ घर पे, एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। खूब मजे करो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, कभी भी अस्त व्यस्त मत रहो एंड व्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त। आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया, अगर पसंद आए तो लाइक कर दे, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय। तो गाइस अभी रनिंग वगैरह कंप्लीट हो चुकी है, तो गाइस अभी घूम के आ गया हूँ मैं।